नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा सिंह। पेश है सुबह 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्य से। शुरू हुआ दुआरे सरकार, 31 जुलाई तक लगेगा कैंप। अब तक 5,35,00,000 से अधिक राज्यवासियों को दी गई है सरकारी परिसेवा। राज्यवासियों को सरकारी परिसेवा सुलभ कराने के लिए दुआरे सरकार एक बार फिर से शुरू किया गया है। यह कैंप 31 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए राज्यवासी यहां आवेदन कर सकेंगे। नवान्य सूत्रों की माने तो जिन जिलों में सरकारी परियोजनाएं लोगों तक कम पहुंची है, वहां कैंप पर अधिक फोकस किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 400 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया स्वास्थ्य विभाग। जिलों से मांगा गया हिसाब, स्कैनिंग शुरू की स्वास्थ्य विभाग ने। बंगाल का स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 400 करोड़ फंड को खर्च नहीं कर पाया है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार NHM या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का करीब 400 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सका है। उल्लेखनीय है कि राज्य के NHM के अधिकारियों ने शनिवार को केंद्र के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जहां पर इसे लेकर चर्चा की गई। अचानक CBI कोलकाता जोन के एंटी करप्शन के ज्वाइंट डायरेक्टर बदल दिए गए। अब इसकी जिम्मेदारी N वेणुगोपाल को दी गई है। इस पद पर पहले पंकज श्रीवास्तव थे, वे अभी भी चिटफंड मामलों में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। वही वेणुगोपाल के बारे में बताते चले कि वे हिमाचल प्रदेश से 1995 के IPS कैडर हैं। एक सप्ताह बाद कोविड से एक और की मौत। राज्य में कोविड से एक और व्यक्ति की मौत सोमवार को हो गई। एक सप्ताह के बाद एक बार फिर कोविड घातक साबित हुआ है। इन दिनों कोविड के मामले 100 की संख्या से ऊपर हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले एक महीने में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 113 तक पहुँच गयी है। एक नज़र जिलों की खबरों पर। नकासीपारा में फिर फैला तनाव, व्यवसायियों पर पुलिस ने किया लाठी चार्ज। धारा 144 में जमायत किए जाने को लेकर पुलिस रही सख्त। धारा उल्लंघन व हिंसा फैलाने के आरोप में कई हुए गिरफ्तार। नदिया में नूपुर शर्मा विवाद को लेकर बेथुआ और डहरी स्टेशन पर रविवार को लाल गोला रानाघाट पैसेंजर ट्रेन में उग्र भीड़ द्वारा तोड़फोड़ पथराव किए जाने से तनाव फैल गया। इसे लेकर जिला पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है। विद्यार्थियों ने पास कराने को केंद्र कर किया पथावरोध। दक्षिण 24 परगना जिले के महेश तल्ला के सारेंगाबाद हाई स्कूल और जोगेश्वरी पाठागार के सैकड़ों विद्यार्थियों ने बजबज ट्रंक रोड पर पथावरोध कर प्रदर्शन किया, जिससे रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया। इससे दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों का आरोप है कि होम सेंटर में बेहतर परीक्षा देने के बावजूद काउंसिल की तरफ से कम अंक देकर फेल कर दिया गया। एक नज़र देश दुनिया की खबरों पर। राहुल गांधी से ईडी की 8.5 घंटे की पूछताछ। राहुल गांधी ने कहा, क्या सिर्फ कांग्रेस नेताओं को ही बुलाया जाता है। सुरजेवाला बोले, चिदंबरम के साथ पुलिस ने की बदसुलूकी। आज का राशिफल, आज का पंचांग एवं राशिफल। 14 जून 2022 राष्ट्रीय तिथि 24 ज्येष्ठ सके 1944। विक्रमीय संवत 2079 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 15 मंगलवार। मेष राशि, मानसिक शांति बनाए रखते हुए तनाव मुक्त रहने की चेष्टा करें, चिंताकारक स्थिति बन सकती है। वृष राशि, किसी पारिवारिक प्रयास में प्रगति संभव है। मिथुन राशि, बकाया भुगतान थोड़े प्रयास से संभव है, दिन लाभदायक रहेगा। कर्क राशि, सहयोगियों के सहयोग के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहें। सिंह राशि, आज का दिन इस राशि वालों के लिए हैरानी भरा हो सकता है, क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए वाद विवाद से आज बचें। कन्या राशि, सहयोगियों के सहयोग के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहें। तुला राशि, किसी प्रसन्नतादायक समाचार की आज प्राप्ति संभव है। वृश्चिक राशि, भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करने वाला दिन हो सकता है, अपनों के राय परामर्श में रहें। धनु राशि, लेन देन में सावधानी रखते हुए आर्थिक नियंत्रण बनाए रखें। मकर राशि,
दिन लाभदायक रहने की आशा है। रुका काम थोड़े प्रयास से संभव है। कुंभ राशि, अवसर प्रदान करने वाला दिन हो सकता है। पूरे उत्साह के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहें। मीन राशि, प्रगति प्रधान दिन बने रहने की आशा है। पूरी निष्ठा के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहें। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।